हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष और आज मैं वीडियो के साथ आया हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जाऊंगा रिलायंस जियो की अभी की स्पीड और पहले की स्पीड। आप लोग देख ही चुके होंगे कि पहले की स्पीड कैसी थी और इस वीडियो में मैं आपको अभी की स्पीड दिखाने जाऊंगा कि पहले और अभी में कितना अंतर हो गया रिलायंस जियो के अंदर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही औसम वीडियो लाते रहते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। तो सबसे पहले मैं आपको स्पीड टेस्ट ऐप के अंदर जा कर के दिखा देता हूँ। देख सकते हैं फाइंडिंग द बेस्ट सर्वर, ये सर्वर से कनेक्ट हो रहा है जो हमारे अगल बगल में जो भी इसका मतलब जो भी बेस्ट सर्वर है उससे ये कनेक्ट होगा। पहले फाइंड करेगा फिर से कनेक्ट होकर। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग के पास आ गया बिगिन टेस्ट और हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्टिंग। पिंग आप देख सकते हैं, ये पिंग को टेस्टिंग कर रहा है और आप देख सकते हैं। तो डाउनलोडिंग स्पीड आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग स्पीड लगभग 4 Mbps है, मतलब लगभग लगभग 5 Mbps है। और अपलोडिंग स्पीड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग लगभग बोल सकते हैं कि 7 Mbps के पास आ रही है। तो ये बोल सकते हैं कि लगभग लगभग वही 5 से 10 Mbps के आसपास चल रही है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये रात के 12 बजे मैं कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। और डेट आज है 13 नवंबर, तो आप देख सकते हैं कि कब है ये रिकॉर्डिंग और देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई कुछ दिक्कत आ रही हो या ना, तो फिर से हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं कि क्या होता है। और इस बार 130 ms है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना गंदा स्पीड है इस बार डाउनलोडिंग का। और जहाँ तक हम लोग देखा जाए तो अपलोडिंग स्पीड हम लोग चेक कर रहे हैं, तो अपलोडिंग स्पीड आप देख सकते हैं कि कितनी गंदी आ रही है, वो भी रात को। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये 2 Mbps। फिर से हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसी आ रही है स्पीड। और इस बार भी वही आ रही है स्पीड। तो अभी आप मेरा नेटवर्क देख सकते हैं कि नेटवर्क कैसा आ रहा है ऊपर यहाँ पे। तो डाउनलोडिंग स्पीड 1 Mbps है और अपलोडिंग स्पीड 1 Mbps लगभग लगभग, नहीं फ्रेंड्स, हाँ 1 Mbps आ रही है। तो एक बार मैं जगह चेंज कर लेता हूँ, तो हो सकता है आपको आवाज़ में दिक्कत आई हो या कहीं। तो चलिए मैं दूसरी जगह आ गया हूँ और फिर अब मैं स्टार्ट करता हूँ ट्राई अगेन, और अब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है टेस्टिंग पिंग। और देख सकते हैं यहाँ नेटवर्क कम आ रही है, तो इससे अच्छा मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ कि कैसे स्पीड अभी तक मैंने किया है। तो देख सकते हैं आप टाइम, ये मैंने आज ही किया है सारे 13 नवंबर, आप देख सकते हैं 13। और स्पीड आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे अपलोडिंग स्पीड मेरे पास 12 Mbps और डाउनलोडिंग स्पीड 2 Mbps, अभी आप देख सकते हैं आराम से सारे। तो और चलिए मैं आपको पहले की वीडियो दिखा देता हूँ कि पहले कैसी आई थी। तो ये मेरी पास्ट की स्पीड टेस्ट की वीडियो है। ये जो स्पीड टेस्ट क्या हुआ है वो मैंने अपने घर के अंदर किया था, तो आप इसमें देख सकते हैं कि मेरे घर के अंदर पहले कैसे स्पीड आती थी। तो ये मेरे घर के अंदर की हुई है, जो पहले स्पीड टेस्ट किया हुआ था उसका ये है।
फ्रेंड्स, ये मेरे छत के ऊपर किया हुआ स्पीड टेस्ट है जो मैंने अपने घर के बाहर किया था। छत के ऊपर मैंने वो स्पीड टेस्ट है, तो आप देख सकते हैं कि उसमें कितनी स्पीड आ रही है। वो मैंने पहले किया हुआ था। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने तो देख ही चुके होंगे कि पहले और अभी में कितना अंतर आ गया है। तो वो मैंने जो पहले स्पीड टेस्ट किया था वो मैंने सवेरे किया था, तो सवेरे में होता है कि स्पीड कम आती है, पर अब जो ये मैंने किया है, ये मैंने रात को किया इसलिए कि मैं टेस्ट कर सकूं कि रात को कितनी अच्छी स्पीड आती है। रात को इसके पहले बहुत अच्छी स्पीड आती थी, अब बहुत ही कम हो गया है। तो वो सवेरे की थी, ये रात की है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही ऑसम वीडियो लाते रहते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा नहीं लगता है इस वीडियो, मतलब ये वीडियो, तो आप इसे डिसलाइक दे सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।